Hey guys, back with Soul Update and Tournament video. So BMOC Grand का final का day 4 है. तो day 4 के match 4 में जो कि Erangel का map था, तो Erangel का map में Soul #2 आती है with 10 kill, जिसमें Soul versus TSM की 4v4 fight होती है. And आपको पता होगा कि TSM कैसा खेल रही है BMOC Grand के final में. And Soul Hector का 1v3 Skylets Gaming with Nade. And last circle में Soul versus TX की 2v1 फाइट होती है, तो वो फाइट में क्या हुआ वो आप आगे देख सकते हो. एंड उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपको ऐसे सोल का तोड़फोड़ वीडियो मिलता रहेगा. सो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. एंड अब चलते हैं मैच की तरफ. उनको स्पॉट करके डाउन कीजिएगा. जोकर यहाँ पर जी गॉड को डाउन करेंगे, जो फिनिश है वो भी सिक्योर हो जाएगा. टीम गॉड लाइक एक बार फिर से निराशाजनक शुरुआत उनकी देखने को मिलती हुई. खराब फॉर्म से उनको चेस कर सकती है क्योंकि चार मात्र अंक के साथ वो खत्म हो चुके हैं. बट शैडो और एक्विनॉक्स अभी बिटके हुए हैं. एक्विनॉक्स का एक शानदार एफर्ट यहां पर देखने को मिला. शैडो का नेट भी आएगा, यहां पे गोब्लिन खत्म होते हैं मोस्ट प्रोबली. नजर आएंगे अक्षत वहां पे जरूर है. शैडो एक और नेट यहां पे करते हैं, स्मोक वहां पे करा अक्षत के द्वारा जरूर गया है. बट क्या अक्षत सर्वाइव कर पाएंगे? आगे जाने की कोशिश शैडो के पास एचपी नहीं है. ओमेगा का कवर आएगा, शैडो को नॉक करा जाएगा. टीएसएम के बाकी बचे हुए प्लेयर्स कंपाउंड में, क्या शैडो को रिवाइव करने वो जाएंगे? ये लव स्टोरी एक बार फिर से यहां पर शुरू हो चुकी है. शैडो जी डाउन जरूर से देखते हैं, उनको रिवाइवल मिल पाएगा नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति में वहां पर. बट मीनवाइल अगर हम बात करें टीम ओवरी स्पोर्ट्स की, वहां पे स्काउट को स्पॉट करके डाउन किया आदित्य. अगर हम बात करें हीलिंग्स की, हीलिंग्स उनके पास जरूर से मौजूद रहने वाली. टीम एक वर्सेस टीम गॉड लाइक एक फाइट हमें यहां पर जरूर से देखने को मिलता है, जहां पर फियर्स जो है उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी. एक 1v2 का यहां पर सिनेरियो उनके सामने देखने को मिलता हुआ. सामने है गिल और साथ ही साथ जॉनसन जो है वो भी हमें यहां पर देखने को मिल जाएगी. क्या फियर्स यहां पर एक क्लच निकाल पाएंगे वो देखने बाद जॉनसन. ये टीम जिस तरह से अटैक करती है, टीम सोल अब एक 3v4 सिचुएशन में फंस सकता है. बट छोटे की क्वेश्चन देखिए, कवर अगर वहां ना होता तो जरूर वहां पर नॉक होते नजर आते आपको शैडो. बट एक्विनॉक्स काफी एडवांस पोजीशन, हेक्टर को यहां पर नेट से नॉक करा जाएगा. खत्म भी काफी जल्दी करा जा सकता है. टीएसएम एक बार फिर से अग्रसर होती हुई यहां पे. एक ग्रेनेड का कनेक्शन यहां पे टीएसएम के खिलाड़ी के ऊपर भी बनेगा और दो खिलाड़ी इनफैक्ट यहां पर डाउन हो चुके. तो एक बार फिर से टीम सोल की अगर हम बात करें तो वो आ चुकी है ड्राइविंग सीट के ऊपर. अब दो प्लेयर्स के ऊपर पूरी जिम्मेदारी यहां पर आती हुई नजर आएगी. लेट्स सी कैन दे क्लिक देन कैन दे क्लच इट आउट और नॉट. बाला की अगर हम बात करें टीम सोल के, ओमेगा की, वो एक खिलाड़ी को और डाउन करते हुए जाएंगे. और अब तीन सोलो मेट से मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, निंजा जॉर्ड, जो जाने जा रहे हैं अभी के लिए अपने क्लचेस के लिए. क्या वो निकाल पाएंगे? हालांकि पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड है, बहुत मुश्किल स्थिति में हमें देखने को मिलते हुए निंजा जॉर्ड. जो डैमेज है वो भी उनके ऊपर आएगा और सामने से तीन खिलाड़ी जो वो एक एक करके आते हुए नजर हमें आ सकते हैं. हेक्टर आगे की तरफ आएंगे जरूर से, दोनों साइड से यहाँ पे प्रहार किया जाएगा. निंजा जॉर्ड ये ग्रेनेड का कनेक्शन बनाना पड़ेगा बट वो आएगा नहीं. हेक्टर अभी भी मौजूद, जिगल जरूर से क्या, बट व्हाट वाज दैट? निंजा जॉर्ड ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी थे बट स्टिल ही विल टेक वन प्लेयर डाउन. कुछ बस बुकार को टेक डाउन करने का अभी भी मौका है. क्लियर वहां पे नॉक और फिनिश वो करके दिखा. सोच तो रहे हैं सोचा जरूर नॉक करेंगे वहां पे आराम से. और खत्म भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं. खत्म आगे बढ़ने की कोशिश ग्लोबल स्पोर्ट्स बैकफुट पे. दोनों प्लेयर जो यहां पे होल्ड कर रहे थे ग्लोबल स्पोर्ट्स के, दोनों को नॉक करा जाता है मवी और अल्ट्रोट के द्वारा. बट मवी यहां पे नॉक कर दिया जाता है. अल्ट्रोट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बन जाती है. जोन का एडवांटेज तो है बट अगर यहां पे नेड आएगा टीम सोल सर्कल के बिल्कुल एज पर हमें देखने को मिलती है टीम सोल. वहीं अगर हम बात करें स्काईलाइट गेमिंग की, वो जोन के अंदर ग्लोबल स्पोर्ट्स के मान्या जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा. केमिनी स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन सातवें पायदान से. जी हाँ, सोल आई थिंक अच्छा खेल रही है अभी के लिए. जोन के थोड़ा सा बाहर उनके दो प्लेयर्स देखने को मिलते हैं तो उनको मेरे ख्याल से अब सोमराज एंड कंपनी के साथ फाइट तो लेनी पड़ेगी. निग्मा गैलेक्सी के अपोलो एक बार फिर से अपनी टीम को टॉप 5 में लेके आ चुके. फायदा जरूर से हमें देखने को मिलने वाला है. मीनवाइल अगर हम बात करें टीम एक्सपार्क की, जोन उनके पास, टीम स्काईलाइट गेमिंग उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं टीम सोल के प्लेयर. और अब आप देखिए, जैसे कि मैंने बोला, जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जरूर से रहने वाला है. इस जोन के बनते ही टीम सोल पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर आ चुके, बिकॉज अब स्काईलाइट गेमिंग एक निचले स्थान पर मौजूद है और उनको ओपन में थोड़ा आना पड़ेगा. और वही स्ट्रैटेजी भी थी कि एक प्लेयर को आगे भेजा जाए और वहां से अगर स्काईलाइट गेमिंग के प्लेयर आए तो उनको ओपन में पकड़ा जाए. वहीं निग्मा गैलेक्सी उनको भी थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर. बिल्कुल एजेस पर ये सारी टीम्स मौजूद नजर आ रही हैं और स्मोक्स बहुत सारे अब यहां से होने वाले हैं. मवी को देखिए कहां जा चुके हैं, सुपरमैन मवी. अब ऊपर से क्या वहां पे डैमेज दे पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल बन जाता है. बिकॉज वहां से अगर आप शॉट देते तो आप भी बैकफुट पे जरूर रहते हैं. जोन का प्रकोप आ चुका है. सोमराज अपने आप को तो हील कर लेंगे बट कमला बॉय को नहीं बचा पाएंगे बिकॉज जोन किया आउटरन किया उन्होंने और सर्कल के अंदर पहुंच गए स्काईलाइट गेमिंग के दो खिलाड़ी. विक्सी बीन वहां पर आएंगे एक बार फिर से, वो नॉक करते हुए नजर आएंगे खिलाड़ियों को. और ये ग्रेनेड हेक्टर का, वो ग्रेनेड कंफर्म करके जाएगा स्काईलाइट गेमिंग को. एक बढ़िया वेल कुक ग्रेनेड में बोलूंगा. जैसे ही वो नीचे गिरा तुरंत फटा. लेकिन मवी की अगर हम बात करें, हाइट के एडवांटेज का पूरा फायदा उठाते हुए एक खिलाड़ी को नॉक करके फिनिश करेंगे. टीम सोल की अगर हम बात करें, एक मात्र खिलाड़ी बचते हैं एंड टीम निग्मा गैलेक्सी ड्राइविंग सीट पे. लेकिन ये क्या अल्ट्रॉन,
ऊपर से वो स्पॉट करेंगे निकमा गैलेक्सी को, ऑलरेडी पता है गनशॉट उनके पास आए होंगे कि ऊपर प्लेयर मौजूद है, बट फिर भी वहां पर वो जो एंगल था उन्होंने वो चेक किया नहीं। अपोलो वो एक बात तो खिलाड़ी बच रहे हैं, नाउ इट्स अ मैन विद अ गोल्डन हैंड, क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी बनाएगा जरूर, अपोलो वो भी डाउन हो जाए। अभी वो कवर्स में कोई भी रिस्क ले नहीं रहे, बट मेरे ख्याल से अब शायद वो स्पॉट जरूर से कर सकते हैं। ये फाइनल फाइट हमें देखने को मिलेगी, दोनों खिलाड़ी एक साथ पीक करते हुए नजर आए वहां पर, मभी भी आगे की तरफ आएंगे, क्या वो उनको डाउन कर पाएंगे? तो कैसा लगा आपको सोल का ये 10 किल एंड सोल हेक्टर का 1v3 स्कैलेट्स गेमिंग विद नेड, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।